अश्विनी कुमार जी, मैं भी यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। डल झील की जो स्थिति बनी पड़ी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, पिछले कई सालों से जो है इसका लीकेज का वो हो रहा है, और काफ़ी बेचारे टैक्सी जो ड्राइवर्स हैं, इन्होंने भी काफ़ी यहाँ पर हमारे साथ मछलियों को अलग अलग जगह पर शिफ्ट किया हुआ है, तो हम गवर्नमेंट को इस चीज़ का वो ठहराएंगे। अभी जिस तरह से लगातार, जैसे आपने बताया कि लगातार ये समस्या पेश आ रही है, तो अब जो उपमंडल प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, दावे किए जाते हैं कि रिसाव रोक दिया गया है, समस्या अभी भी लगातार जारी है, तो अब किस तरह की डिमांड जो है सरकार और प्रशासन से? सर, इतने लोग खड़े हैं, ये आप इनको देख रहे होंगे, ये काफ़ी टाइम से ये वो कर रहे हैं, है ना। इसलिए ये है कि अभी हम प्रशासन को यही बोलना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका काम किया जाए, ताकि ये जो जो फिशरीज मर रही हैं, इनको एक अच्छी जगह पे शिफ्ट किया जाए और इसका काम संपूर्ण पूरा किया जाए। सुरेश शर्मा जी, मैं न्यासी हूँ डल मंदिर का, और हमने इसकी पहले सफाई वगैरह भी करवाई थी कुछ समय पहले, और मिट्टी डलवाई थी, तो अचानक आज मुझे सुबह फ़ोन आया कि पानी जो है सब निकल जा रहा है, और जो मच्छियाँ हैं वो बेचारी तड़प तड़प के मर रही हैं, इसलिए मैं तुरंत यहाँ पहुँचा हूँ। तो आके मैंने देखा कि सचमुच वैसे ही है, पानी बिल्कुल निकल चुका है, और बिल्कुल ही पानी नहीं है, और मच्छियों जो काफ़ी मर भी चुकी हैं, और हमें शर्मिंदगी फील हो रही है कि यहाँ पर्यटक आ रहे हैं और सभी कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनके सामने ये मच्छियाँ मर रही हैं। इसके लिए मैं तो सरकार से ही अनुरोध करूँगा कि वो जल्दी से जल्दी इसके लिए संज्ञान लें, और इस पानी को रोकने के लिए कोई पुख्ता प्रबंध किया जाए। जी सर, हम जैसे भी मीटिंग में होती हैं तो सभी अधिकारी आते हैं, पर वही कहते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत बड़ी प्रपोजल बनने जा रही है, इसमें ये होगा वो होगा, पर धरातल पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो हम सरकार से एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि तुरंत इसकी कार्रवाई की जाए और इसके पानी को जल्दी से जल्दी रोका जाए। मेरा नाम अक्षय है, और मैं धर्मशाला के डल लेक का स्थायी निवासी हूँ। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डल लेक लगातार सूखती जा रही है, मछलियां मर रही हैं, हालांकि पिछले कई वर्षों से ये समस्या है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पाया है, किसे जिम्मेवार मानते हैं? सर, जिम्मेवार तो हम पेशे से मतलब प्रशासन को ही मानते हैं इसके लिए, क्योंकि काफ़ी प्रयास किए हैं हमने भी यहाँ पे। ये कल, जैसे कल की बात करें तो पानी पूरा लीक हो रहा था, ये प्रशासन ने पूरा इसको खाली किया हुआ है, तो हमारे स्थायी निवासियों ने, हमारे भाई बंधुओं ने मिलकर ही कल इस ब्लॉकेज को मतलब यहाँ पे पूरा ये कवर किया हुआ है, नहीं तो ये पूरा ख़त्म हो रहा था, पूरी मछलियाँ मर रही थी। तो मतलब प्रशासन को ही हम जिम्मेवार ठहराएंगे इसके लिए। लंबे समय से ये समस्या जो है पेश आ रही है, हालांकि सरकार जिस तरह से पर्यटन राजधानी जिला कांगड़ा को बनाने की बात कर रही है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि इस तरह से पर्यटन राजधानी बन पाएगी? नहीं सर, ऐसे तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक डल लेक बहुत ही बड़ा नाम था, काफ़ी लोग जो, क्योंकि हम जो है एक टैक्सी ऑपरेटर्स भी हैं, तो हम बहुत ही दूर दूर से टूरिज्म को यहाँ पे लेके आते हैं, उनको घुमाते हैं काफ़ी। हम ये डल लेक मतलब बहुत बड़ा नाम है, तो जब भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो वो काफ़ी मतलब उम्मीदें लेके आता है कि डल लेक, क्योंकि जैसा आप जानते हैं डल लेक का नाम ये मतलब कश्मीर की लेक के बराबर है, तो जैसे उनकी उम्मीदों के अनुसार, तो यहाँ पे आके उनके कमेंट सुन के हम तो बिल्कुल मतलब कि निराश हो जाते हैं। तो बहुत मुश्किल दौर से हमें गुजरना पड़ता है इस डल लेक के लिए। अभी किस तरह की डिमांड जो है सरकार से जो है लोकल्स की रहने वाली? सर, लोकल्स की तो डिमांड यही रहने वाली है कि डल लेक को जल्द से जल्द सुधार किया जाए और एक अच्छा स्थल बनाया जाए, ताकि लोकल लोगों की जो आस्था जुड़ी है वो भी बनी रहे, और जो टूरिज्म इसका नाम सुन के टूरिस्ट पहुँचते हैं तो उनको भी पहुँच के अच्छा लगे। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से रिपजित निपी की रिपोर्ट।